रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बस अभी सुबह का ही टाइम था, तकरीबन 11 हो गए। अभी मैं बैंक की तरफ जा रहा हूं। मैंने कहा आज थोड़ा सा फ्री हूं तो पहले जाके अपने बैंक का काम कर लेता हूं। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है आज इधर, और बस बैंक की तरफ जा रहा हूँ और बैंक का काम ख़त्म करके फिर वापस आऊँगा। बैंक में देखता हूँ, अगर आज काम हो गया, ATM कार्ड मिल जाए मुझे, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आगे सैलरीज वगैरह भी आनी होती हैं तो उसके लिए ATM कार्ड बहुत ज़रूरी है। मैं बस अभी चलता हूँ और जाकर अपना ATM कार्ड वगैरह ले लिखाए तो कर दी थी मैंने यहीं से ऑनलाइन, बस रिसीव करना अगर अभी मिल जाएगा तो वो मैं ले लूँगा जल्दी। बस चलता हूँ बैंक, फिर बैंक जाके आपको मैं। बैंक पहुंच गया हूँ अभी, उन्होंने बस पेपर तो मैंने जमा करा दिए इनको, अभी वो बस वेट करने का कह रहे हैं। थोड़ी देर वेट करता हूँ, देखता हूँ पता नहीं आज भी ATM मिलता है या नहीं मिलता। अप्लाई मैंने कर दिया, अब आगे देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी देखते हैं, अगर ATM मिलता तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ। एक घंटा तो होने लगा बैठा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा नहीं बुलाया। देखता हूँ और कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, टाइम होता ही जा रहा है इस तरह। शायद अभी थोड़ी देर में मुझे बता दें अभी आपको ATM मिलना भी है कि नहीं मिलना या कल आएँ। सारी डिटेल अभी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, मैंने काउंटर पे जाकर कहते हैं वेट करें, फिर तो आपको बताते हैं थोड़ी देर में। चलें वेट ही करूँ, देखता हूँ होटल बताते हैं। दोस्तों कैसे हैं? अभी बस मैं बैंक से फ्री हुआ था, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हो सका। उसमें कुछ उन्होंने गलतियां बताई कि उसमें कुछ गलतियां, तो अभी देखते हैं क्या गलतियां। कह रहे हैं आपकी सिग्नेचर ठीक नहीं है उसका, वो ठीक करके आपको दोबारा सारा पेपर वर्क करके कम्प्लीट करना पड़ेगा। अभी जाके दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, कह रहे हैं 2 दिन बाद आप आएँ। तो अभी तो सारा दिन ऐसे ही मेरा गुजर गया बैंक के ही काम में। अभी बस मैंने एक दो चीज़ें लेनी है बाज़ार से, मेरे स्लीपर टूट चुके हैं वो लेता हूँ, रूम में पहनने के लिए बिल्कुल नहीं है वो लेना है। और कुछ खाने के लिए भी लेता हूँ, बहुत भूख लगी सुबह से ऐसे ही बैठ बैठ के बैंक के वेट में, कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो चलें अभी चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और अपने लिए जो चीज़ें लेनी हैं वो लेते हैं। जी दोस्तों, बस मैंने वहाँ से एक शोरमा लिया अभी जल्दी से, और वापस पार्किंग की तरफ आ गया। मैंने कहा पहले इधर आ जाऊँ, यहीं पर आकर शोरमा भी चेक कर लेता हूँ किस तरह का इनका, और इसको ट्राई करता हूँ अभी और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट किस तरह का है। वहाँ एक तो बैठने की जगह नहीं, एक स्टॉल सा था, बस वहीं से ले लिया जल्दी से। अभी जल्दी से बस शोरमा ट्राई करता हूँ, आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ये कुछ इस तरह का है देखने में। अच्छा, इसमें इन्होंने फ्राइज़ भी डाले हुए, फ्राइज़ भी हैं, चिकन भी है और कुछ वेजिटेबल्स भी डाले थे उसमें फ़कत, तो देखने में कुछ इस तरह का लगता है। चलिए इसको ट्राई करते हैं।
है मज़े का, सॉफ्ट है, लेकिन जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मिलता है उससे काफ़ी डिफरेंट है इसका भाई, क्योंकि वहाँ पे जो शवरमा मिलता है उसमें फ्राइज़ वगैरह नहीं होते, इधर इन्होंने फ्राइज़ डाले हैं और बाकी वेजिटेबल्स तो वहाँ पे भी होती हैं। चलिए मैं जल्दी से इसको अब फिनिश करता हूँ और फिर बस का भी टाइम कंप्लीट हो जाएगा, चलिए मैं इसको जल्दी से पहले फिनिश कर दूँ। शवरमा मैंने खा लिया था, मज़े का था, टेस्टी था, ये नहीं बड़े मज़े का लगा मुझे वैसे तो, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। अभी बस चलता हूँ जल्दी जल्दी से, बस आ चुकी है मेरी, बस की तरफ जाता हूँ। बस ब्लॉग अभी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा अगर अभी तक आप लोग मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल एक और ब्लॉग में मिलेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।